क्या तेजस्वी प्रकाश ने अपने पोस्ट के जरिए कोई हिंट दी है? क्या तेज रन फैंस को कोई गुड न्यूज मिलने वाला है? क्या करण कुंद्रा ने कोई सरप्राइज प्लान किया है तेजस्वी प्रकाश के लिए? आइए जानते हैं मेरी इस रिपोर्ट में। वेलकम टू टॉलीवुड बस, मैं हूँ चारू शाह, आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को करण और तेजस्वी से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबरें जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप तक सभी तरह की अपडेट्स पहुँचाने की ट्राई करूं। और कई बार क्या होता है कि अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाती हूं, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं आप तक पहुंचाने अपडेट्स देने की कोशिश करती हूं। दरअसल बात यह है कि कल तेजस्वी प्रकाश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर किया था जो कि बहुत ही प्यारा पोस्ट था, जिसमें एक सरप्राइज प्लान किया था, जिसमें जो नोट लिखा था उसमें लिखा था ऑफ कोर्स आई हैवन फॉरगॉटन आवर स्पेशल डे, वेयर दिस फॉर आवर स्पेशल डे टुनाइट, और फ्रॉम के लिखा था। तो जैसे वो जिस तरह से लिखा था ऐसा लगा जैसे करण ने पोस्ट किया है, करण ने वो भेजा है सरप्राइज, तेजस्वी प्रकाश के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक कोलैबोरेशन पोस्ट था, तेजस्वी प्रकाश ने जो पोस्ट किया था वो एक कोलैबोरेशन पोस्ट था, क्योंकि पहले भी ऐसे कोलैबोरेशन पोस्ट कर चुकी थी की है तेजस्वी प्रकाश ने, जिससे सबको ये लगा था कि करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज किया शादी के लिए। लेकिन यू नेवर नो, हो भी सकता है भाई दिस ईयर हो भी सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पोस्ट में भी ऐसे ही कुछ फील आ रहा है कि तेजस्वी प्रकाश कोई हिंट दे रही है। तेजस्वी प्रकाश की इस पोस्ट से फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बाद में जब देखा पूरा कोलैबोरेशन पोस्ट तब पता चला इट वॉज अ कोलैबोरेशन एड पोस्ट था जो तेजस्वी प्रकाश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया था। तेजस्वी प्रकाश दरअसल इससे कोलैबोरेशन एड्स पोस्ट करती रहती है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, करण भी कभी कभी करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन में भी एक्टर्स कैन अर्न, तो इसीलिए कई बार अगर मौका मिलता है तो कोलैबोरेशन पोस्ट करते हैं एक्टर्स लोग भी। तो उसी तरह तेजस्वी प्रकाश ने भी ये कोलैबोरेशन पोस्ट किया था जो कि बहुत ही प्यारा था, और सबको यही लग रहा था कि कोई हिंट है, लेकिन वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या करण और तेजस्वी सच में इस साल शादी करेंगे या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।